हेलो स्टूडेंट, मैं दीपेश केसरवानी अपने इस यूट्यूब चैनल स्टडी स्टार्स में आपको एजुकेशन से संबंधित वीडियो प्रोवाइड करता हूं। हम लोग देख रहे थे हिस्ट्री का क्रैश कोर्स, जिसका आज डे 7 है। तो इससे पहले हम लोगों ने सिंधु सभ्यता, वैदिक सभ्यता और जैन धर्म कंप्लीट कर लिया है। आज डे 7 में हम लोग बौद्ध धर्म पढ़ेंगे। तो हम लोग वही क्वेश्चन ले रहे हैं जो रेलवे, SSC, व्यापम, PSC जैसे एग्जामों में पूछे जाते हैं। अगर आप नया स्टूडेंट है तो हमारे टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया गया है। तो चलिए शुरुआत करते हैं बौद्ध धर्म की। इसमें हम देखते हैं बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे। गौतम बुद्ध थे, जिनका बचपन का नाम क्या था, सिद्धार्थ था। गौतम बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया भी कहा जाता था, आप ये बात ध्यान में रखना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिल वस्तु के लुम्बिनी ग्राम में हुआ था, ठीक है। किसमें हुआ था, शाक्य कुल में हुआ था। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, शाक्य कुल में पूछा जाता है एग्जाम में कि गौतम बुद्ध का जन्म किस कुल में हुआ था, तो शाक्य कुल में हुआ था। और फिर कब हुआ था और कहाँ हुआ था वो भी पूछा जाता है एग्जाम में। आगे बढ़ते हैं। इनके पिता सुदोधन थे, जो कि शाक्य कुल के क्या थे, मुखिया थे। इनके माता का नाम महामाया देवी थी, जिनकी मृत्यु कब हो जाती है, गौतम बुद्ध को जन्म देने के 7वें दिन बाद ही इनकी मृत्यु हो जाती है। तो देखते हैं आगे। इसमें गौतम बुद्ध का बचपन में लालन पालन उनकी सौतेली माता प्रजापति गौतमी ने की थी। देखिए, इनकी माता का देहांत हो जाता है 7वें दिन गौतम बुद्ध को जन्म देने के बाद, और गौतम बुद्ध का क्या नाम था बचपन का, सिद्धार्थ। तो सिद्धार्थ को जन्म देने के बाद उनकी मृत्यु हो जाती है 7वें दिन, और लालन पालन कौन करती है, तो प्रजापति गौतमी, उनकी सौतेली माता। आगे देखते हैं, गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम क्या है, यशोधरा है। याद रखना, महावीर स्वामी का पत्नी का नाम यशोधरा है और गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम यशोधरा है। दोनों में कंफ्यूजन नहीं होना है आपको। और सिद्धार्थ क्या है, बचपन का नाम गौतम बुद्ध का, और सिद्धार्थ क्या है, महावीर स्वामी के पिता का नाम है। तो यहाँ कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको, ध्यान में रखना आप इन बातों को। आगे देखते हैं, इनके पुत्र का नाम क्या था, राहुल था। गौतम बुद्ध का एक पुत्र था जिनका नाम क्या था, राहुल था। तो ये हो गई बौद्ध गौतम बुद्ध की सामान्य जानकारी। अब आगे इसी में देखते हैं हम लोग। तो देखिए, जब गौतम बुद्ध कपिल वस्तु की सैर पर निकले थे, तब उन्होंने 4 दृश्य क्रमशः देखते हैं। देखिए कौन कौन सा दृश्य देखते हैं। पहला देखते हैं बूढ़ा व्यक्ति, दूसरा देखते हैं एक बीमार व्यक्ति, तीसरा शव देखते हैं, और चौथा एक सन्यासी व्यक्ति देखते हैं। तो आपको मैं बता दूं, इन चारों दृश्यों के पीछे एक कहानी है। जब गौतम बुद्ध का जन्म होता है, उस समय इनके पिता एक कार्यक्रम का आयोजन करते हैं, उसमें बहुत से ब्राह्मण आते हैं। तब गौतम बुद्ध की कुंडलियां दिखाई जाती है उनके पास कि गौतम बुद्ध आगे चलकर क्या करेंगे। तब ब्राह्मणों ने कहा था कि गौतम बुद्ध जो है आगे चलकर सन्यासी बनेंगे, जिससे उनके पिता सुदोधन बहुत ज्यादा डर जाते हैं। और वो क्या करते हैं कि गौतम बुद्ध को कभी बाहर का दृश्य ही नहीं दिखाते कि बाहर कैसा होता है और कौन व्यक्ति कैसा रहता है। यहाँ तक कि वो अपने दरबार में एक बूढ़ा व्यक्ति भी नहीं रखते, सारे लोग वहाँ जवान ही रहते हैं। तो ऐसे में क्या होता है, गौतम बुद्ध ने कभी बूढ़ा व्यक्ति नहीं देखा था, ना ही किसी को बीमार देखा था, ना ही किसी को मरे हुए देखा था, मतलब उसका शव देखा था, ना ही वो किसी सन्यासी को देखे थे। तो जब पहली बार गौतम बुद्ध कपिल वस्तु की सैर पर निकलते हैं, तो बूढ़ा व्यक्ति को देखकर अपने सारथी जो उनके घोड़ा चलाते हैं, जिनका नाम छन्ना रहता है, उनसे पूछते हैं कि इस व्यक्ति को क्या हुआ है। तब उसका सारथी जवाब देता है कि यह व्यक्ति बूढ़ा हो चुका है। तब गौतम बुद्ध फिर पूछते हैं कि क्या एक दिन मैं भी बूढ़ा हो जाऊंगा। तब उसके सारथी कहते हैं हाँ। आगे जब चलते हैं तो एक बीमार व्यक्ति दिखता है। एक बीमार व्यक्ति को देखकर गौतम बुद्ध फिर से पूछते हैं इसको क्या हो गया है। तब फिर उसके सारथी जवाब देता है कि यह व्यक्ति बीमार हो चुका है। गौतम बुद्ध फिर पूछते हैं क्या मैं भी एक दिन बीमार हो जाऊंगा। तब कहते हैं हाँ। आगे चलते हैं तो एक शव देखते हैं, किसी की मृत्यु हो जाती है जिसे ले जाया जा रहता है। उस समय क्या होता है, गौतम बुद्ध फिर से पूछते हैं क्या मेरी भी एक दिन मृत्यु हो जाएगी। तब उसका सारथी कहते हैं हाँ महाराज। आगे चलने पर एक सन्यासी दिखता है, और उस सन्यासी के चेहरे में बहुत चमक दिखाई देती रहती है। तब गौतम बुद्ध पूछते हैं कि इस व्यक्ति के चेहरे में इतनी चमक क्यों है। तब उसका सारथी जवाब देते हैं महाराज, यह एक सन्यासी है। उसी दिन से ही गौतम बुद्ध के मन में सन्यासी के प्रति अलग भाव पैदा हो चुकी थी। इसलिए ये चारों चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको मैं पूरे स्टोरी से बता दिया कि क्यों ये इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको ध्यान में रखें।
चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं जो पढ़ रहे थे उसमें। सांसारिक समस्या और दुखों से व्यथित होकर गौतम बुद्ध 29 वर्ष के आयु में ग्रह त्याग दिया, जिसे बौद्ध धर्म में महाविनिष्क्रमण कहा गया है। देखिए मैंने पहले बताया कि अब उनको एक सन्यासी जब देखते हैं उस समय से ही अलग ही विचार हो जाता है उनका। जब संसार की समस्या और दुखों को देखते हैं वो, तब क्या होता है कि गौतम बुद्ध 29 वर्ष की आयु में ग्रह त्याग कर सन्यासी बन जाते हैं। और जिसे बौद्ध धर्म में क्या कहा गया, महाभनिष्क्रमण, किसको कहा गया, ग्रह त्यागनी को महाभनिष्क्रमण कहा गया है। आगे देखते हैं, इन्होंने सांख्य दर्शन की शिक्षा अपने गुरु अलार कलाम से ली। देखिए सबसे पहले इन्होंने शिक्षा ली किससे, गुरु अलार कलाम से। एग्जाम में ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है कि सर्वप्रथम उन्होंने किससे शिक्षा ली, तो गुरु अलार कलाम से। किसकी शिक्षा ली, तो सांख्य दर्शन की। इसके बाद क्या है कि इसके बाद इन्होंने राजगीर के रुद्र कराम पुत से शिक्षा ग्रहण करते हैं, ठीक है, दूसरे में रुद्र कराम पुत से शिक्षा ग्रहण करते हैं। फिर होता क्या है, 6 वर्ष तक ऐसी वो शिक्षा ग्रहण करते रहते हैं और इधर उधर भटकते रहते हैं। उसके बाद अंततः 35 वर्ष की आयु में, 29 वर्ष में ये घर से निकले थे और 35 वर्ष की आयु में निरंजना नदी के किनारे पीपल पेड़ के नीचे समाधि इस अवस्था के 49वें दिन इन्हें ज्ञान की प्राप्ति होती है। देखिए 6 वर्ष तक तो भटकते हैं, फिर 35 वर्ष की उम्र में निरंजन नदी के किनारे पीपल पेड़ के नीचे समाधि इस अवस्था में 49वें दिन इन्हें ज्ञान की प्राप्ति होती है। ये गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति होती है उसके बारे में बताया गया है। आगे देखते हैं, ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ, इनका बचपन का नाम सिद्धार्थ था, सिद्धार्थ महात्मा बुद्ध कहलाए, और वह जगह जहां इनको ज्ञान प्राप्त हुआ था वो बोध गया कहलाता है। आप जानते होंगे बोध गया के बारे में, बिहार में है, तो वो जगह क्या कहलाता है, बोध गया कहलाता है। देखिए यहाँ पे जब चारों बात का जब उन्हें ज्ञान होता है तो उन्हें बहुत सदमा लगा रहता है कि मुझे ये सारी बातें छिपाई गई है करके, ये भी बात आप ध्यान में रखना, ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसी में गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि गौतम बुद्ध ने सब पहला उपदेश कहाँ दिया है, तो सारनाथ में दिया है। आगे देखते हैं, जिसे बौद्ध धर्म में धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। देखिए ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। कोई भी एग्जाम हो, अगर हिस्ट्री आ रहा है तो बौद्ध धर्म से एक क्वेश्चन कंफर्म रहता है, ये बात आपको पता होना चाहिए। फिर देखिए, गौतम बुद्ध ने अपना उपदेश पाली भाषा में दिया है। उस समय की जनसाधारण भाषा थी पाली भाषा, उसमें ही दिया है उन्होंने अपना उपदेश। आगे देखते हैं, सर्वाधिक उपदेश इन्होंने श्रीवस्ती कौशल में दिया। तो कौशल राज्य की राजधानी थी श्रीवस्ती, वहां उन्होंने सबसे ज्यादा उपदेश दिया। इसके अलावा वैशाली और कौशाम्बी में भी उपदेश दिए थे इन्होंने। गौतम बुद्ध के प्रमुख अनुयायी शासक बिंबिसार, प्रसेनजीत और उदयन थे। तो उदयन क्या थे, बौद्ध धर्म के अनुयायी थे, उसके बाद ये जैन धर्म के अनुयायी हो जाते हैं। फिर आगे देखते हैं, बौद्ध धर्म के त्रिरत्न, याद रखना त्रिरत्न की बात कर रहे हैं, त्रिपिटक की बात नहीं कर रहे हैं। तो बौद्ध धर्म के त्रिरत्न क्या है, बुद्ध धम्म एवं संघ, ये भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इसको भी आप ध्यान में रखना। आगे देखते हैं, बौद्ध धर्म का सिद्धांत त्रिपिटक में संकलित है। जो बौद्ध धर्म का सिद्धांत है वो त्रिपिटक में संकलित है। कौन कौन से त्रिपिटक, सुत्पिटक, विनय पिटक और अधिधम्म पिटक, ये 3 पिटक होते हैं जिसका अपना अलग अलग मतलब होता है। जैसे सुत्पिटक की बात करें तो इसका मतलब है बुद्ध के धार्मिक उपदेशों का संग्रह, और विनय पिटक की बात करें तो इसका मतलब है बौद्ध संघ के नियमों का वर्णन, और अधिधम्म पिटक की बात करें तो अशोक ने जो पाटलिपुत्र में त्रिति बौद्ध संगीति कराया था उसको लिपिबद्ध किया गया है अधिधम्म पिटक में। तो देखिए हम लोग बौद्ध धर्म पढ़ रहे हैं, तो बौद्ध धर्म में अभी मैंने इस वीडियो में इतना ही बताया है। अगले वीडियो में हम लोग आगे का देखेंगे, तो आधा इस वीडियो में रहेगा, आधा उस वीडियो में रहेगा। अभी बौद्ध धर्म में बहुत कुछ बचा हुआ है पढ़ने के लिए, तो आप नेक्स्ट वीडियो जरूर देखना। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप वीडियो को लाइक करें, और अगर कोई नया स्टूडेंट इस चैनल में आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें।